ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 1 से लेकर 6 तक मूलांक की बात की थी। चलिए ब्रेक के आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी दर्शक, मूलांक 7 केतु का वरुण देवता का अंक है। ऑफिस का काम रोजाना की तुलना में तेजी से निपटेगा। किसी को कोई बात समझाने के मामले में लोगों पर आपका प्रभाव भी पड़ेगा। दोस्तों का पूरा सहयोग रहेगा। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला जो रंग रहता है ब्लैक कलर, वो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 अविवाहित लोगों को मैरिज प्रपोजल मिल सकते हैं। कामकाज के बजाय काम के तरीके पर खास ध्यान देना जरूरी है। आज मन बहुत प्रसन्न रहेगा। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, भूरा जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, बजरंग बली का अंक है। पैसों से जुड़े ज्यादातर महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे। आपको आने वाले दिनों में कोई घटना होने के इशारे भी मिल सकते हैं, सावधान रहिएगा। मूलांक 9 के लिए लाल जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ। पुष्पा जी हैं रतनगढ़ से, जो कि पुत्र प्रवीण के लिए जानना चाहती हैं। प्रवीण की जन्म की तारीख है 21/12/1989। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा पुष्पा जी। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, और वो पढ़ा लिखा भी है लेकिन नहीं लग रही है, पता नहीं क्या है। पुष्पा जी, आपके पुत्र के जन्म की तारीख 21/12/1989, 21-2-1-3 का अंक बृहस्पति का अंक माना जाता है। अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। चलित में आपके पुत्र के दिनमान भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप इस चीज से निश्चिंत रहें, आपके पुत्र को बहुत जल्द एक अच्छी और सफल नौकरी मिल जाएगी, जिससे आपके पारिवारिक का मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने पुत्र को भगवान श्री गणेश के दर्शन करवाइए। गणेश मंदिर जैसी श्रद्धा अनुसार जिस वार को जाना चाहे वो उसके लिए पर्याप्त रहेगा। गणेश पूजा, गणेश दर्शन करने से उसकी नौकरी में जो बाधा लग रही है वो खत्म हो जाएंगी। और एक चीज़ विशेष रूप से, जिस दिन भी नौकरी का आवेदन करे या जिस दिन नौकरी का इंटरव्यू हो, उस दिन सफ़ेद रंग का शर्ट पहनना उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, अब आपसे जानना चाहूंगा कि GST जो है उसका काफी विरोध देखा जा रहा है अलग अलग जगह पर, तो GST का विरोध कब तक शांत हो जाएगा? अर्पित जी, जिस तरह से हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मूलांक 8 वाले और लागू किया इसे 1 के अंक सूर्य के अंकों में, जो इसके विपरीत अंक है, इसलिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खुद के 8 का अंक है, तो अगस्त का महीना जो रहता है 8वां महीना रहता है। अगस्त के महीने की समाप्ति के बाद सितंबर का महीना 9 का मंगल का जो रहेगा, उस महीने में ये GST का विरोध शांत होगा। पर्टिकुलर अगर डेट वाइज बात की जाए, 19 सितंबर 2017 तक ये विरोध थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी विरोध झेलना भी पड़ेगा। जो वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके भी अंकों के विपरीत अंकों में इस GST को लॉन्च किया गया, तो उस वजह से भी और थोड़ा विरोध रहेगा 19 सितंबर 2017 तक। कैलाश जी, के लिए एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ अलवर से, मोरा देवी जी हैं, जो कि अपने पोते अंशु के लिए जानना चाहती हैं। अंशु की जन्म की तारीख है 9/3/2009। अमूरा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते। हमारा पोता नहीं तो बोलता है, नहीं समझता है, अब बताओ ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या है इसमें? मोरा जी, आपके पोते अंशु की जन्म की तारीख 9/3/2009, 9 का अंक मंगल का, मंगल शारीरिक स्वास्थ्य का, फिजिकल फिटनेस का माना जाता है, और फिजिकल अब नॉर्मलिटी जैसा आप बता रहे हैं, तो मंगल हनुमान जी का माना जाता है। किसी भी हनुमान मंदिर में आप अपने पोते को धोख लगवाइए, दर्शन करवाइए, और बाहर जाना नहीं हो पाता तो घर के अंदर ही हनुमान जी की जो उड़ते हुए पहाड़ लेते हुए, संजीवनी पर्वत लेते हुए जो फोटो है, वो फोटो आप घर के अंदर लगाइए और बच्चे को नित्य उसके दर्शन करवाइए। जरूर विशेष रूप से 2017-18 में आपको बहुत फर्क महसूस होगा उसके स्वास्थ्य के अंदर। हाँ, एक चीज विशेष रूप से, उसे काले रंग के कपड़े मत पहनाइएगा। ब्लैक कलर अगर आप पहनाएंगे तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से मूलांक पर क्या असर पड़ेगा GST का?
अर्पित जी, वैसे तो जीएसटी सभी के ऊपर इफेक्टेड है, आप चाहे किसी वर्ग से बिलोंग करते हो। अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, चूंकि जीएसटी एक के अंक का है, तो एक, पांच, छह और नौ, एक, पांच और छह और नौ, ये जो अंक है इनको विशेष रूप से व्यापारिक वर्ग है जो है उनको विशेष रूप से लाभ सिद्ध होगा। मूलांक आठ वालों को जीएसटी से उठा पटक रहेगी, आठ से संबंधित जो कारोबार है, व्यापार है, उनमें बहुत इफेक्ट रहेगा, वो थोड़ा सा पीड़ित रहेंगे, जिसमें कपड़ा कारोबारी आ गए, अल्कोहल कारोबारी आ गए, और होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, फूड से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जीएसटी 2017 के बाद और अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, ये नेगेटिविटी धीरे 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 कम हो जाएगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। दर्शक, कभी भी तुलसी के पौधे में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल देने से घर में कलेश रहता है, पारिवारिक अशांति रहती है और आर्थिक संकट गहराया हुआ रहता है। तुलसी के पौधे में सोमवार से लेकर शनिवार तक जल अर्पण करना सर्वश्रेष्ठ, वो भी तांबे के कलश में माना जाता है। रविवार को भूल के भी आप जल न दे, अनचाही समस्याएं आपके घर में आ सकती है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सावन का पहला सोमवार आपके लिए बहुत मंगलमय हो, भोले शंभु भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे तमाम दर्शकों को मिले, और अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर सोमवार से शुक्रवार। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।